हाय माय नेम इज बंतशा तो स्वागत है आपका आज के व्लॉग में तो दोस्तों आज काफी स्पेशल दिन है मैं जा रही हूँ बरेली फन सिटी ट्रिप जो ऑर्गेनाइज की गई है बाय माय प्रिंसिपल एज अ टीचर्स डे गिफ्ट मैं काफी एक्साइटेड हूँ बिकॉज हु डज नॉट लव अ फन फील्ड डे विथ फ्रेंड सो चलो तैयार तो मैं हो गई हूँ अब स्टार्ट करते हैं आज का सफर कैन यू बिलीव इट मैं अपने नए स्लीपर्स पहन रही हूँ जो मैंने जूडियो से लिए थे एंड गेस वॉट मेरे ईयर ड्रेस और स्लीपर्स का कलर भी सेम है स्काई ब्लू वाइव्स ऑल अराउंड क्या ये कोइंसिडेंस है या फेट आप लोग जरूर बताएं। ये देखो मौसम कितना सुहाना हो गया है कल तक इतनी गर्मी थी गाइज पर शाम में बारिश हुई और अब सुबह की ठंडक में सफ़र करना कितना अमेजिंग लग रहा है अभी टाइम सात पैंतीस हो रहा है एंड द वेदर जस्ट परफेक्ट फॉर अ फन डे आई एंड बस में ऐसा कैसे हो सकता है कि आप किसी ट्रिप पे जा रहे हो डांस ना हो बॉलीवुड गाने ना हो और हम गाड़ी में क्या कर रहे हैं गाने सुन रहे हैं और डांस कर रहे हैं बॉलीवुड के गाने ट्रिप की असली मजा बढ़ा देते हैं तो so गाइज मैं पहले भी फन सिटी 2018 में आ चुकी थी बट दिस टाइम एवरी थिंग फील सो फ्रेश वाटर पार्क का एक्साइटमेंट अलग ही लेवल का है सबसे पहले ये ग्रीन व्यू ये मुझे इतना अट्रैक्ट कर रहा है बस हर जगह फोटोज लेनी है और गेस वॉट ये टाइम वाटर पार्क का नहीं है तो पूरा पार्क जो है ना वो खाली है सिर्फ हम टीचर्स हैं एक अलग लेवल की मस्ती होगी पूरा वाटर पार्क हमारे लिए है स्लाइड्स इतनी बड़ी हैं बस देख कर ही मजाइज मैं आ चुकी हूँ अपने फर्स्ट स्लाइड पर और हाँ पहली बार काफी डर लगा बट जब नीचे आई तो बैलेंस लूज कर दिया पानी मेरे मुंह में चला गया जिसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था फिर गाइज हम गए दूसरे स्लाइड पर और ये हाइट कुछ ज्यादा ही थी डर तो लग रहा था बट जब किया इतना मजा आया कि सब डर निकल गया पहले डर था फिर बहुत मजा ये बात गाइज वेव पूल में हम सब वेट कर रहे थे वेव्स का और बहुत ज़्यादा इंतजार करना पड़ा आई थिंक मुझे लग रहा है कि बीस मिनट वहाँ पर हमने अपने वेस्ट कर दिए और अगर हम वहाँ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते तो मैं अपनी बाकी की दो स्लाइड्स uh, और इन्जॉय कर सकती थी जो वेस्ट हो गई मेरी हाइट ठीक है मेरे साथ में शिल्पी है उसकी भी हाइट ठीक है बट मैंने बहुत आगे जाने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वेव्स काफी स्कैरी लगती है मुझे और मैंने पहले भी एक इंसिडेंट वेव्स का देख रखा था जिसकी वजह से मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई आगे जाने की गाइस सबसे ज्यादा फन मोमेंट था रेन एरिया में डांस करना मैं शिल्पी और वसीम सर हम सब एकदम फिल्मी स्टाइल में डांस कर रहे थे जैसे ही पानी की बूंदें गिरनी शुरू हुई सबका एनर्जी लेवल नेक्स्ट पे चला गया हम लोग गलती से मिस्टेक पे डांस कर रहे थे और सीरियसली ऐसा लग रहा था जैसे किसी मूवी का शूट चल रहा है एंड देन वसीम सर का डांस मूव्स तो नेक्स्ट लेवल था एकदम सरप्राइजिंग और शिल्पी तो पूरा बॉलीवुड हीरोइन ही बन गई थी पानी में नाचने का एक अलग ही मजा है एक पल के लिए सब कुछ भूल जाओ और बस मोमेंट में जियो मुझे तो लग रहा था जैसे मैंने किसी मानसून म्यूजिक वीडियो में हूँ सब कुछ इतना परफेक्ट था वो ठंडी ठंडी बूंदे और हम सबकी मस्ती ये मोमेंट्स तो सच में याद रहने वाले हैं बस डांस करते करते इतना पानी पी लिया कि अब लगता है मुझे स्विमिंग आनी चाहिए थी रेन एरिया में डांसिंग ने तो ट्रिप का मूड पूरा बना दिया ये मूवमेंट ट्रिप का हाईलाइट था क्योंकि दोस्तों के साथ ऐसे केयर फ्री मूवमेंट्स हमेशा तो याद हम गए दूसरे साइड पे शिल्पी थोड़ा डर गई बट मैंने हिम्मत दिखाई क्योंकि सब कुछ एंजॉय करना था स्लाइड थोड़ा लंबा था तो हम बीच में अटक गए और बस हंसी रुक ही नहीं रही थी बट एनी हाउ हमने पैर से थोड़ा प्रेशर किया और उसके बाद हम नीचे आए देन लंच में थी दाल मखनी रायता पनीर सलाद आलू का भरता रोटी और राइस वहाँ पे देसी घी भी था बट मुझे पसंद नहीं इसलिए मैंने उसको अवॉइड किया मैंने पहली बार दाल मखनी ट्राई की एंड इट वॉज सो गुड फिर आइसक्रीम खाई मस्ती के बाद कुछ मीठा तो बनता ही एंड देन गाइस स्पेशल मोमेंट हमने एक फन मोमेंट क्रिएट किया जैसे कि थ्री इडियट वाला सीन सबको याद होगा और इस मोमेंट में स्पेशलिटी ये थी कि एक बार में शूट हो गया यहाँ एक बहुत क्यूट चिम्पैन जी का स्टैचू था और जैसे ही मैंने इसे देखा मुझे अपनी बेस्टी की याद आ गई क्योंकि वो हमेशा मुझे मंकी बुलाता था एंड देन गाइज ये स्टैचू बस एक मोमेंट नहीं था ये मेरे और मेरी बेस्टी की यादों का टाइम कैप्सूल था समटाइम इट्स द सिली थिंग्स लाइक दिस दैट मेक यू स्माइल एंड मिस दो तो अगर तुम्हारे पास भी कोई चिमपैंजी मूवमेंट है मेक श्योर टू लाफ इट ऑफ क्योंकि ये यादें ही तो जिंदगी को इंटरेस्टिंग बनाती हैं गाइज हमने देखा एक कुआं जो बिल्कुल भी असली नहीं था उसके पास चार स्टेचू थे तीन वुमेन और एक मैन था उनके पास जो घड़े थे गाइज उसमें सब लोगों ने कूड़ा डाल दिया था आई डोंट नो वाई वो एरिया बाकी सब बहुत ज्यादा क्लीन था बट उसमें पता नहीं कैसे कूड़ा डाल दिया था एंड देन उसके पास गाइज बॉय के साथ मैंने पोज किया और ऐसे पोज किया जैसे कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ या फिर मैं उसे घूर रही बस एक मस्ती टाइप था। हाँ हा गाइज ग्रीनरी इतनी सुंदर थी डियर जिराफ सब देखने को मिले बोटिंग भी थी बट मैंने डिसाइड किया कि कुछ और एडवेंचरस करें, क्योंकि बोटिंग बहुत ज्यादा बोरिंग थी 2018 में जब मैं आई थी तभी मेरा उसे देख के मूड खराब हो गया था कि इतना बोरिंग तो कुछ करना ही नहीं है यहाँ के बाकी यहाँ पे जो डियर था गाइस उसमें बैठने का एरिया था मतलब वो एक टेबल टाइप थी जो बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग लग रही थी बट एट लास्ट मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला उसको इंजॉय करने का देन गाइज हम गए सेवेंटी सिनेमा में एकदम डार्क बिल्कुल मूवी थिएटर की वाइब थी थ्री डी ग्लासेस पहने और मजा लिया बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस था देन गाइस सबसे टफ सिचुएशन मेरे सामने थी मेरे फ्रेंड्स ने मुझे फोर्स किया कि इस झूले पे बैठना है अंदर से मन में था कि बैठूं बट 2018 में जब मैं इस झूले पे बैठी थी तो बहुत डर गई थी क्योंकि मेरे पास में जो बैठा था वो बहुत ज्यादा रो रही थी और वो चिल्ला रही थी और नीचे का इसके बाद गाइज हम पहुंचते हैं फिनिक्स मॉल ऑफकोर्स ये बहुत बड़ा है बहुत एरिया है यहाँ पे और बहुत इंजॉय किया मैंने और इस बार भी गाइज मुझे एस्केलेटर पे सेम डर लग रहा था कितनी बार मैं ये कर चुकी हूं एक्सपीरियंस बट पता नहीं क्यों मुझे हमेशा की तरह बहुत डर लगता है देन गाइज हमने इतना खाया था तो कुछ डाइजेस्ट भी करना था वहाँ हमने कोको कोला इंजॉय की देन मैंने वहां से सनस्क्रीन बाई की और उसके बाद ये इंगेज व्यू देखा साई बारह घंटे का सफर थकान तो थी बट यू नो वॉट अ ट्रिप समथिंग स्पेशल दिल को कहते हैं जिंदगी में मोमेंट्स तो बहुत होते हैं पर उन्हें खास बनाने वाले दोस्त होते हैं आज के दिन उन दोस्तों के नाम जिनके साथ मैंने ये ट्रिप का हर पल इंजॉय किया बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में